हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुसार ग्रैंड फैमिली। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं जो घी से, घी की बची हुई जो मावा होता है उससे हम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पराठा बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप मेरे वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए। अगर फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि जो घी बनाने के बाद जो मावा बचता है उसके पराठे हम किस तरीके से बनाते हैं। और ये पराठे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। ये पराठे बच्चे और बड़े कोई भी खा सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही अलग ही होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलना। और फ्रेंड्स, हमने पराठे को किसके साथ खाए हुए हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो घी बनाने के बाद जो मावा बचा हुआ था उसको हमने एक थाली में ले लिया हुआ है। फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं कि एक खूब सारा मावा है और यहाँ पर हमें पूरा मावा को ही यूज कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, इसको हम थोड़ा सा हल्का गर्म भी कर लिया हुआ है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जमा हुआ था। अब फ्रेंड्स आप देखना कि हम किस तरीके से पराठे बनाने जा रहे हैं। ये पराठे खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक कप बेसन भी ले लिया हुआ है और बेसन को हमने अच्छे से छान लिया हुआ था जिससे इसमें पाई ना हो और इसमें थोड़ा बहुत कूड़ा भी ना हो। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर बेसन को हम अच्छे से मिला। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम 2 बड़े चम्मच आटा को मिला देंगे इसमें। अभी हमने आटा को अच्छे से छाना हुआ है। अब देखिए, हम दूसरा चम्मच भी आटा इसमें मिला देंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून अजवाइन सीड्स को मिला देंगे। अजवाइन को क्रश करके ही डालेंगे। फ्रेंड्स, अजवाइन से जो पराठे का टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फ्रेंड्स, अब देखिए, हम यहाँ पर आटा को लगाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अब इसमें हम कुछ मसाले भी ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून सब्जी मसाला डालेंगे और फ्रेंड्स यहाँ पर हम 1 छोटी चम्मच, 1 चुटकी मतलब हल्दी डालेंगे। हल्दी ज़्यादा नहीं डालेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, हमने थोड़ा सा हींग भी डाली हुई है। हींग डालने से जो पराठे का टेस्ट होता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। हींग को ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही हींग डालनी है। 1 पिंच हींग डाली हुई है। फ्रेंड्स, अब यहाँ देखिए, फ्रेंड्स हम थोड़ा सा चाट मसाला भी डालेंगे। चाट मसाला डालने से पराठे का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा लगने लगता है। फ्रेंड्स, अब देखिए, यहाँ पर हम नमक भी ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, नमक हम स्वाद अनुसार ही ऐड करेंगे। जितना नमक आप खाते हैं आप उसी के अकॉर्डिंग नमक को ऐड करिएगा। फ्रेंड्स, नमक हमने यहाँ पर ऐड कर दिया हुआ है। फ्रेंड्स, अब हम आटे को बहुत अच्छे तरीके से मिलाएंगे क्योंकि इसमें जो मावा मिला हुआ था घी बनने के बाद जो खुरचन बची हुई थी वो अच्छे से इसमें मिल जाए और जो हमने इसमें मसाले डाले हुए हैं वो भी अच्छे से मिल जाए। फ्रेंड्स, हम धीरे धीरे हाथों से ही आटा को मिलाएंगे और इसको ना ही ज़्यादा टाइट मारेंगे और ना ही ज़्यादा हल्का मारेंगे। इसको बिल्कुल मतलब बीच के उसका ही मारेंगे क्योंकि इसको जब हम ज़्यादा गीला कर देंगे तो जो इसमें मॉयल डाला हुआ है वो उसका मॉयल सारा चला जाएगा। फ्रेंड्स, अब यहाँ देखिए, हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी ही डालेंगे। अगर फ्रेंड्स हम यहाँ ज़्यादा पानी डाल देंगे तो इसमें गुठली पड़ जाएंगी, इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और आटा को लगाते जाएंगे। फ्रेंड्स, आटा लग जाएगा, उसके बाद हम आटे को 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। आटा जो मोयन वाला आटा होता है उसको अगर हम रेस्ट के लिए रख देते हैं तो उसका मोयन पूरे आटे में हो जाता है फ्रेंड्स, और उससे जो पराठे बनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हम आटे को लगा रहे हैं और देखिए फ्रेंड्स, जल्दी से आटा लग जाएगा। इसके बाद हम पराठे बनाएंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसे बने हैं पराठे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आटा लगकर तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, अब हम पराठे बनाने जा रहे हैं और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम गोल गोल लोई बना लेंगे।
फ्रेंड्स, इन पराठों को हम बहुत धीरे धीरे ही बेलेंगे क्योंकि ये पराठे बहुत जल्दी टूटने लगते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पराठा सेकने के लिए देसी घी का ही प्रयोग करेंगे, ऑयल का प्रयोग नहीं करेंगे। देसी घी लगाने से पराठे का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर हम पराठे बनाने जा रहे हैं। आप चाहें फ्रेंड्स तो इसे पन्नी की सहायता से भी बेल सकते हैं। अगर हम पराठे को पन्नी की सहायता से बेलते हैं तो ये पराठे बिल्कुल भी नहीं टूटते हैं और जो इसकी किनारी होती है उसको हमें बार बार भी नहीं दबाना होता है। फ्रेंड्स, पन्नी में एक पन्नी दो पन्नी भी ले सकते हैं। एक पन्नी पे पहले लोई रखते हैं, फिर उसके ऊपर दूसरी पन्नी रख देते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही बेल सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर बेला हुआ है। फ्रेंड्स, अब देखिए हमने इसको जो किनारी की थी उसको हमने ठीक कर लिया हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमने आलू की सब्जी भी बनाकर तैयार कर ली हुई है और फ्रेंड्स हमने यहाँ पर भिंडी की सब्जी भी बनाई हुई है। भिंडी की सब्जी हमने भरवा भिंडी बनाई हुई है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम पराठे को सेक लेंगे। फ्रेंड्स, देखिए पराठा सिक कर तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, अब हम इसको दूसरी साइड भी पलट कर सेक लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पराठे को आलू की सब्जी के साथ खाएंगे। फ्रेंड्स, आलू की सब्जी ग्रेवी वाली बनाई हुई है और मसालेदार बनाई हुई है सब्जी। ये सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और जब इसके साथ जो मावा से बने हुए पराठे को खाया जाता है तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगने लगते हैं। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर सब्जी को बना कर रख लिया हुआ था। अभी अभी हमने सब्जी बनाई है, फिर हमने पराठा बनाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर हम बाउल में सब्जी को ले लेंगे। फ्रेंड्स, देखिए बंद करो। फ्रेंड्स, देखिए पराठा भी बनकर रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर हमने भरमा भिंडी की सब्जी बनाई हुई है। भरमा भिंडी की सब्जी खाने में फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और जब इसके साथ अजवाइन वाले नमक के पराठे होते हैं तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने आलू की मसाले वाली सब्जी बनाई हुई है, ग्रेवी वाली। तो फ्रेंड्स, आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए और बताना कि कैसे लगे आपको पराठे। जो घी का खुरचन, घी बनाने के बाद जो खुरचन बचता है, मावा कहते हैं उसे हम लोग, तो उसकी जो हम पराठे बनाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसके मावे को फेंक देते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग भी एक बार पराठा बना कर देखिए और बताना कमेंट बॉक्स में कि कैसे बने हैं पराठे। ये था मेरा छोटा सा वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आप हमारी वीडियो पसंद करते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर।